हमेशा से माँ बाप का सपना रहा है कि बेटा आईएएस, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, इसकी मिसाल भी दी जाती है। पर अब इस एलीट कैटेगरी में इंजीनियर का क्रेज घट गया है, इसीलिए हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में 37 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। जो चल रहे हैं उनमें बीटेक की सीट लेने वालों का टोटा है, जबकि पारंपरिक कोर्सेज में चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, फिर मारामारी मची है। एक वक्त था जब हरियाणा के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए साउथ में जाते थे, डोनेशंस भी देते थे, पर अब सब कुछ उलट गया है। आखिर क्यों? फैक्ट क्या है कि पहले बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ साइड में जाते थे। धीरे धीरे जो है कॉलेजेस हमारे हरियाणा में खुलने शुरू हुए, काफ़ी कॉलेजेस आए। जिन कॉलेजेस ने क्वालिटी दी है वो तो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो लेता है जब उसको लगता है कि फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है और अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी लैब्स हैं, प्रॉपर वहाँ पर काम होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर बच्चा एडमिशन लेगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट भी अच्छी होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो होती है केवल डिग्री के आधार पर नहीं होती, इस आधार पर होती है कि बच्चे को एक्चुअल में क्या आता है। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 में हरियाणा में 127 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इनमें 114 प्राइवेट और 13 सरकारी थे। कुल सीटें तब 43,771 थी, पर डाउनफॉल 2017-18 में शुरू हुआ जब प्राइवेट कॉलेज 119 से घटकर महज 70 रह गए। नतीजा 2020-21 में 37 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। अब सरकारी हो या प्राइवेट, बीटेक की सीट लेने वाले बहुत कम रह गए हैं। हम इसके ऊपर स्टडी करते भी हैं, बीइंग टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इश्यूज इन हायर एजुकेशन, जिसमें से हमारा एक इशू ये भी रहा है। देयर इज यू कैन से के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, दे हैविंग लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैविंग लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर जाते थे उनके अंदर एक पैशन होता था करने का, और सीट उन्हीं को मिलती थी जो अच्छी परसेंटेज का स्टूडेंट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, स्किल्स, है ना। बिना स्किल्स के आप यू कैन नॉट बी ए गुड इंजीनियर, यू कैन नॉट बी ए गुड डॉक्टर, यू कैन नॉट बी ए गुड टीचर। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ही हमारी है कि जो फाउंडेशन स्टोन है वही हमारी शेकी है, सो बिल्डिंग कांट स्टैंड ऑन इट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इतना ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि लोगों की समझ में आए, स्टूडेंट्स की समझ में आए, पेरेंट्स की समझ में आए, और वही इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया जाए। गौरतलब है कि पिछले 2-3 साल में इंजीनियरिंग का क्रेज तेजी से घटा है। आलम यह है कि बीते 2020-21 के साल में 1268 सीटें खाली रह गई। काफी कॉलेजेस में सुनने में आया कि कुछ ये जो डम्मी एडमिशन्स वाला सिस्टम भी बहुत चला है कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चे बिहार से आ गए, कुछ बाहर से आ गए हैं, सिर्फ एडमिशन के बेस पे जो है उनको अलाउ कर दिया गया, जो कि गलत है। ये प्रोफेशनल डिग्री हैं, इनके अंदर केवल एडमिशन लेके डिग्री देना पर्पज नहीं है, कुछ काम सीखना भी पर्पज है। इसके विपरीत पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जॉब पाने में ही सफल नहीं रहे, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सीटें भी 70% से ऊपर भरती रहीं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है, जबकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक के ज्यादातर स्टूडेंट्स ऊपरी दिखावे के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं। यानी अब भी ट्रेडिशनल कोर्सेज का जोर है, और बदले जमाने के साथ जो बदलेगा वही आगे निकलेगा। यस, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।